मम्मी दया मेरी चाय देना। मम्मी जल्दी टिफिन दो। दया जल्दी, देर हो रही है। मम्मी जल्दी करो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये भाई है तो क्या, कब से मेरी नकल उतार रहा है? नहीं नहीं पापा, मैं आपकी नकल नहीं उतार रहा हूँ, मुझे कॉलेज के लिए सच में देर हो रही है। चल चल अरे, सब समझता हूँ मैं। अरे क्या समझ रहा है तू? तुझे दुकान जाने के लिए देर हो सकती है, टप्पू को कॉलेज जाने के लिए देर नहीं हो सकती? दुनिया में तू अकेला ही काम करता है। मैंने ऐसा कब कहा बापू जी? पर टप्पू क्या काम करता है? पढ़ाई। टप्पू कॉलेज में पढ़ने का काम नहीं करता? नहीं करता है? अरे बापू जी, आजकल के बच्चे कॉलेज में कोई पढ़ाई नहीं करते, सब पूरा दिन मटर गश्ती करते रहते। आप बच्चे पेड़ की तरह होते हैं, उनमें भरोसे की खाद डालो तो वो तुम्हें कामयाबी के फल देंगे। Rightly said, दादाजी, you are the best. आई आई आई, लीजिए टप्पू के पापा, ये आपकी गर्मा गर्म चाय, ये नाश्ता और ये तुम्हारा लंच बॉक्स। आज इसमें थेपला की मस्त फंकी बना कर दी है। थेपला की फंकी? वो क्या होता है? हाँ वो बाजार में मिलते ना, वो ऐसे थेपला जैसी गोल चपाती होती है ना, उसके अंदर बीच में सब्जी भर देते हैं, फिर उसको गोल गोल घुमा के उसका भुंगड़ा बना देते हैं, फिर सब लोग उसे ऐसे चाव से खाते हैं। पापा, मम्मी फ्रेंकी की बात कर रही है। मम्मी उसे फंकी नहीं, फ्रेंकी कहते हैं। हाँ बेटा वही, तुम्हें खाने में मजा आता है ना? ऑफ कोर्स मम्मी, तुम्हारी थेपले की फ्रेंकी वर्ल्ड बेस्ट होती है। चलो मैं निकलता हूँ, आज कॉलेज में मेरे बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। ओके बाय बाय, जय जिनेंद्र, बाय दादाजी, जय जिनेंद्र। हां बाय बाय, जय जिनेंद्र, बाय बाय। संभल के जाना दीदी। यस मम्मी। हां टप्पू के पापा, आपको फंकी दूं? नहीं नहीं, मुझे भी देर हो रही है, मैं अभी ये चाय और थेपला खाकर निकलता हूं। हां टप्पू के पापा, वो मैंने आपको और बापूजी को बताया था ना कि मेरे बुआ की ननद की बेटी की सगाई है, तो मैं उनके लिए सगाई में तोहफे में क्या लेकर जाऊं? जो भी तेरे मर्जी हो ले जा। हाँ पर लेकिन क्या बताइए ना, मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अभी दुकान का इतना टेंशन है, वो सब छोड़ के मैं ये सोचने बैठू कि तुझे तेरी बुआ की ननद की बेटी की सगाई में क्या तोहफा देना है। अरे क्या पूरा दिन दुकान के काम के टेंशन की पिपुड़ी बजाते रहता है? अरे दो मिनट सोच के बता देगा तो दुकान का काम अटक नहीं जाएगा। ठीक अभी बताता हूँ। एक काम करते हैं, मार्केट में वो मिलता है ना वो फैंसी कवर है, उसमें रोकड़ा रुपया तेरी जितनी मर्जी उतना रख और दे दे। चलो। अरे नहीं नहीं, उन्होंने तो पहले से ही वो इमिटेशन कार्ड है ना उसमें लिख के रखा है कि चांदलानी प्रथा बंद है। आप कुछ और बताइए ना। कुछ नहीं सूझ रहा है दया। तू एक काम करना, तू अहमदाबाद फोन करके माँ को पूछ लेना। माँ को तो मैंने पहले से ही पूछ के रखा है। ले बोल जो। तो फिर मुझे क्यों पूछ रही है? माँ के संस्कार। माँ हमेशा कहती है कि हर काम अपने पति देव से पूछ के करना चाहिए। वैसे क्या सुझाव दिया माँ ने? मैंने ऐसा कहा कि वो लोग अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं ना, तो उनको चांदी का गणपति बप्पा दो। हाँ मैं भी यही कहने वाला था। तो कहा क्यों नहीं? मुझे लगा मैं कहूंगा तो दया बोलेगी नहीं नहीं ये नहीं, कुछ और सोचिए, इसलिए कुछ और सोचने लगा था। ठीक है तो मैं चांदी का गणपति बप्पा ही दूंगी। अभी मुझे वो सगाई में जाना है ना, तो घर के बाकी के कामकाज भी निपटाने हैं, तो मैं बोल। चेठाला तुम्हारा मेंटेनेंस का चेक किधर है भाई? अरे भाई तेरा चेक तैयार है। तो फिर दिया करो ना, मेरे फोन की राह क्यों देखते हो हमेशा? अरे भाई मैं तुझे चेक दूं उसके पहले तेरा फोन आ ही जाता है, मैं अभी दुकान जाते जाते तुझे चेक देके ही जाने वाला था। ओके ओके, आपके चेक देने से पहले आपको मैंने फोन कर दिया, वो मेरी गलती है। अभी मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ काम से, तो मुझे कंपाउंडर मिलके चेक देते हुए जाना। हाँ हाँ ठीक है ठीक। माले ये जेठालाल के चेक के चक्कर में हमेशा मेरा इम्पोर्टेंट काम रह जाता है। मेरी कहाँ गई वाटर बिल की फाइल? सोनू, अरे कुटा गई? आहो माधवी, मैंने नाश्ता कर लिया है, तुम भूल गई क्या? पता है ये नाश्ता आपके लिए नहीं है, सोनू के लिए है। सोनू कहाँ है? अरे मेरी वाटर बिल की फाइल कहाँ है, मैं कब से ढूंढ रहा हूँ।
मुझे आज बीएमसी ऑफिस जाना है, उसके लिए वो फाइल जरूरी है। कहाँ है फाइल? सोनू कहाँ है? अगर उसे नाश्ता नहीं किया ना तो नाश्ता किए बिना वो कॉलेज चली जाएगी। कहाँ है सोनू? अरे होगी अपने कमरे में। मेरी फाइल कहाँ है? लेकिन होगी कबर्ड में। सोनू फाइल, सोनू अब कोई भेज तो चल नाश्ता कर ले बड़ा। अरे आई, बाबा ने अपने फाइल ढूंढने के चक्कर में मेरी सारी बुक इधर उधर कर दी है। मुझे मेरी बुक मिल ही नहीं रही है। अब पर वो बाद में ढूंढना, पहले नाश्ता कर ले। अरे नहीं आई राहुल, तुझे नाश्ता, मेरी बुक नहीं मिल रही है, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अगो आज तो क्या करते सोनू, नाश्ता कर लेना पहले। ठीक, मैंने कांदे पोहे बनाए मस्त पे कितने लिए। मेरी बुक नहीं मिलेगी, मेरे गले के नीचे कुछ नहीं उतरेगा। अगो आज तो क्या है? मिल गई मिल गई मिल गई। हाँ मिल गई ना, चल अभी दो दोनी वाले खा ले। चल नहीं नहीं आई, मुझे ना सॉरी लेकिन कॉलेज के लिए बहुत लेट। सोनू कहाँ है? कहाँ चल रहा है? टप्पू, मैं बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने की सोच रहा हूँ। क्या करने की सोच रहे तू? टप्पू, सालों से भीड़े अंकल ही सुविचार लिखते हैं, आज कुछ नया करे क्या? नेकी और पूछ-पूछ, अरे शुभ काम में देरी किस बात की? चल 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 चल। कल जो आपने किया था आज कोई दूसरा करेगा, आने वाले कल में कोई तीसरा करेगा, परिवर्तन संसार का नियम है। भीड़ अंकल जब ये देखेंगे तो मजा जाएगा। अरे टप्पू, मजा नहीं सजा देंगे, इसलिए उनके आने से पहले हम लोग निकल जाते हैं, नहीं तो पकड़े जाएंगे। हाँ लेकिन गोली ऐसे कैसे जाए? सोनू कहाँ है? सोनू इतना लेट क्यों हुई? वो कभी लेट नहीं होती। टप्पू नाश्ता कर रही होगी यार। ओ नो, ये क्या हुआ? नाश्ते से याद आया, मम्मी ने मेरे लिए टिफिन पैक किया था, वो तो मैं लेना ही भूल गया। एक मिनट में आया टप्पू मैं। बोली दो सोनू का आवाज दे। अरे लेट हो रहा है यार। अगर खाना, ए सोनू सोनू प्लीज, तो बस धोनी वाले खाना बड़ा, मैं टप्पू और गोली को बोलती हूँ रुकने के लिए। हाँ टप्पू और गोली तो मेरा वेट कर लेंगे, लेक्चर थोड़ी ना मेरे लिए वेट करेगा। अगर सोनू प्लीज, तूने अगर ठीक से नाश्ता नहीं किया ना तो दिन भर मेरे दिमाग में रहेगा कि तूने नाश्ता नहीं किया नाश्ता नहीं किया, तो प्लीज मेरे दिमाग को शांति नहीं मिलेगी। फिर मिल गई। तू है पानी की बोतल ली तूने? मोबाइल नहीं। अरे कितनी स्विसर ली कशिक तू। एक एक निकल आए, एक निकल आए। बिचारी ये सब आपकी वजह से हुआ है। हाँ मेरी वजह से ही हुआ है, मैंने तो फाइल ढूंढी है। ये सब नहीं, ये सब जो अभी हुआ ना, ये सब आपकी वजह से हुआ है। कमाल है, मेरी क्या गलती है, मैंने क्या किया? इस फाइल ढूंढने के चक्कर में आपने सोनू की सारी बुक्स इधर उधर कर दी, और उसी चक्कर में वो ठीक से नाश्ता किए बिना कॉलेज चली गई। काय चल रहा है ये? आप बोलिए ही कुछ मत। अरे पर अभी तो ये ठीक से संभाल के रखता हूँ, पहले सोसाइटी ऑफिस जाके आता हूँ, बाद में ये ठीक से रखूंगा। मैं सोसाइटी ऑफिस जाके आ रहा हूं। हो अरे ये अभी तक यही है सोनू? हाँ तुम्हें कॉलेज में लेट हो रहा था ना। अरे टप्पू ये क्या अभी तक यही है? तू तो कह रहा था ना कुछ आज अगत्य के लेक्चर है, कॉलेज में लेट हो रहा है। जेठालाल जरा समझाओ टप्पू को, ये टप्पू की वजह से सोनू को भी लेट हो रहा है कॉलेज जाने के लिए। अरे बाबा टप्पू की वजह से? तो और किसकी वजह से? बाबा गोली की वजह से। हाँ गोले, गोली की क्या गलती है इसमें, वो तो यहाँ पे है भी नहीं। अरे तेज थे वो यहाँ नहीं है इसलिए रात देख रहा है गोली की, इतनी भी बात नहीं समझ रहा है तू। देख लेट हो रहा है गोली की वजह से और तू खामखा दोष दे रहा है टप्पू को। ये गोला कहाँ रह गया? अरे वो अपना टिफिन बॉक्स भूल गया था, इसलिए अपना टिफिन बॉक्स लेने घर पे गया है। बोलो गोला टिफिन बॉक्स लेने गया है और सोनू ने नाश्ता नहीं किया ठीक से? सोनू सोनू बेटा नाश्ता तो करना चाहिए, तो गलत बात है। ओ जेड़ा की हो गया, ओ की गलत गल है भाई, ओ मैनू भी दसो। ये सोनू बेटी नाश्ता किए बगैर कॉलेज जा रही है तो वो तो गलत है ना। मां करे क्या जेड़ा? सोनू पुत्र सुबह का नाश्ता बॉडी की गड्डी का पेट्रोल होता है, उसके बगैर गड्डी चलेगी कैसे?
गोली इतनी देर क्यों लगी तुझे? मम्मी पापा के लिए गर्मा गर्म कचोरिया बना रही थी तो मैं वो खाने बैठ गया था। गोया यहाँ पे कॉलेज जाने के लिए लेट रहे से सोनू ने नाश्ता नहीं किया और तुम कचोरिया खाने बैठ गए फिर से? सोनू तूने नाश्ता नहीं किया है? रुक तेरे लिए मैं कचोरिया लेके आता हूँ। नहीं, 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 मुझे कचोरिया नहीं खानी है, फिलहाल हमें बहुत लेट हो रहा है। हाँ कोई जरूरत नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम फिर से नाश्ता करने कैसे बैठ सकते हो गोया। अरे भिड़े अंकल वो क्या हुआ, जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला तो मैंने देखा गर्मा गर्म कचोरिया तली जा रही थी। तो आप ही बताइए मैंने अपने आप को कैसे रोक पाता। छोड़िए अंकल एक बात बताइए, आपके सामने पराठे और लस्सी रखी हो तो आप अपने आप को रोक पाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल नहीं रोक पाऊंगा। जेठा अंकल आप बताइए, आपके सामने जलेबी फाफड़ा रख दिए जाए तो आप अपने आप को रोक पाएंगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भाई। अरे क्या तुम दोनों इसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो? अरे हाँ में हाँ क्या, जो बात सही है वो सही है भाई। और बच्चे क्या भी थोड़े बड़े हो गए भाई, वो अपनी जिम्मेदारी भली भांति समझते है। बच्चों का कैसा है भिड़े कि वो लोग पेड़ की तरह है, उसमें आप जितना वो भरोसे की खाद डालोगे उतना ही वो आपको कामयाबी के फल देंगे। हाँ अभी ऊपर दादाजी पापा से यही कह रहे थे। वो बापू जी कभी कभी मेरे मन की बात जान लेते और बोल देते। ओ चाचा जी तो चाचा जी है। अरे भिड़े अंकल मैं जानता हूँ आपको इस बात का यकीन नहीं होगा पर हम लोग कॉलेज में अगर एकदम सिंसियर हो गए। हाँ भिड़े अंकल। बेटा स्कूल में अगर आप लोग सीनियर हो गए होते तो आज भिड़े अंकल के सर पे बाल ही बाल होते। ओ करेक्ट है जेठा ब्रा। ओ पिड़ू का सर पंचगनी के टेबल लैंड की जगह पंजाब के हरे भरे खेतों जैसा होता। सोडी अंकल पापा हम लोग स्कूल में एकदम रिलैक्स थे कि भिड़े अंकल है हमारा ध्यान रखने के लिए, लेकिन अभी कॉलेज में भिड़े अंकल जैसे कोई टीचर ही नहीं है इसलिए अब हम कुछ सिंसियर हो गए। टाइम टू टाइम कॉलेज जाते और सब लेक्चर्स अटेंड करते। यस। सुना जेठालाल? हाँ हाँ सुना ना भाई, कोई कुछ भी कहे शिक्षक तो तू बढ़िया है ही। क्यों छोटी? करेक्ट किया जेठा ब्रा, इंसान भी अच्छा। चलो फ्रेंड्स हम बहुत लेट हो गए, वी शुड गो। हाँ चलो मैं तुम्हें अपनी गड्डी पे छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं छोड़ेंगे हम लोग रिक्शा में चले जाएंगे। चलो फ्रेंड्स चलो जल्दी। अरे लेक्चर्स ठीक से अटेंड करना। हो बाबा। ओ पिड़ो तू क्यों इतनी टेंशन ले रहा है? ओ बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, थोड़ा उन पे भरोसा कर। नहीं सोड़ी मुझे मेरे सारे विद्यार्थियों पे भरोसा है सिवाय टप्पू के। फिर से टप्पू? जेठालाल टप्पू को जानते हो ना तुम? टप्पू एक ऐसा पटाखा है जो किसी भी दिशा में कभी भी फट सकता है। पिड़ो दिवाली कब की खत्म होगी, अभी भी पटाखे लेके बैठा है यार। ओ छेड़ना यार। ओ जड़बरा दुकान नहीं जाना? अरे भाई जाना है, बहुत लेट हो रहा है, लेकिन अभी दुनिया का सबसे जरूरी काम बाकी है। ओहो, दुनिया का सबसे जरूरी काम? वो क्या यार? ये सोसाइटी का मेंटेनेंस चेक ये भिड़े को देने का। ले भाई ले, बचा ले दुनिया को। बचा ले दुनिया को? मंजे मंजे तू हमेशा चेक के लिए इस तरह फोन करता है जैसे दुनिया में प्रलय आने वाला है और मेरे चेक की वजह से तू दुनिया को बचा लेगा। जेठालाल मजाक करने की जरूरत नहीं है, मेंटेनेंस चेक के लिए याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। हाँ और जिम्मेदारी का हुआ बनाना तेरी आदत है और चेक लेट देना तुम्हारी आदत है। ओ छटो यारो, ओ जेड़ाबरा तुमने चेक दे दिया, ओ पिड़ो तूने चेक ले लिया, ओ कल खत्म हो गई यार। चलो जेड़ाबरा देर हो रही है। हाँ पर इसको क्या मेरे साथ जीपा जड़ी करने में परम आनंद मिलता है? नहीं मुझे कोई परम आनंद नहीं मिलता है, मुझे बहुत सारे काम होते हैं। अभी तक मैंने सुविचार लिख दिया। सुविचार किसने लिखा? तूने ही लिखा होगा, और कौन लिखेगा? जेठालाल अगर मैंने लिखा होता तो मुझे पता होता ना भाई, मैंने नहीं लिखा है सुविचार। वो भाई मुझे मेंटेनेंस के चेक का याद दिलाने के चक्कर में शायद भूल गया होगा। जेठालाल मजाक की बात नहीं है, सुविचार मैंने नहीं लिखा है ये। हाँ आ गया समझ में, ये जरूर टप्पू की शरारत है। फिर से टप्पू? छोटी मुझे लगता है अमेरिका में बर्फ गिरेगी ना तब ये कहेगा कि ये टप्पू की वजह से बर्फ गिरी है। हाँ जेठाबरा, ओ पिड़ो किसी और ने भी अगर सुविचार लिखा है तो उसमें गलत क्या है, सही तो लिखा है ना? हाँ अच्छा तो लिखा है, कल जो आपने किया था आज कोई दूसरा करेगा, आने वाले कल में कोई तीसरा करेगा, परिवर्तन संसार का नियम है। बराबर है पिड़ो, तुझे इस सुविचार में कोई प्रॉब्लम है क्या?
भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर जिसने लिखा है उसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना भाई। ने लिखा किसने होगा? ओ झड़ना यार पिड़ू, और तुझे चेक मिल गया ना, अभी रिक्शा नहीं मिलेगी, चल मैं तेरे को बैंक छोड़ देता हूँ। नहीं 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 सोड़ी, मुझे अभी बैंक नहीं जाना है, मैं सोसाइटी ऑफिस जा रहा हूँ, वो स्टेशनरी खत्म हो गई ना तो उसकी लिस्ट बनानी है। हाँ चलो मिलते हैं। सोड़ी मुझे जरा छोड़ देगा, दुकान बहुत लेट हो गया भाई। ओए टेढ़ा ब्रा यार, तुझे मैंने बहुत पसंद है यार, बच्चों का कॉलेज छोड़ देता हूँ उन्होंने मना कर दिया, पिड़ू को बोला बैंक छोड़ देता हूँ उन्होंने मना कर दिया, तुमने खुद बोला यार। गुड मॉर्निंग सोड़ी भाई, गुड मॉर्निंग जेठा जी। अरे भालो भालो, कैसे हो आप लोग? अरे हम एकदम मजे में, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे वाह की गल है, अरे ईयरफोन कितने हैं? वो ऑफिस में है, अक्षरा जल्दी निकल गया। नहीं नहीं बराबर है, काम पे तो टाइम पे पहुँचना ही चाहिए। करेक्ट है जेठा ब्रा, चलो हम निकलते हैं। अरे छोटी सॉरी दोस्तों निकल। क्यों गया जेठा ब्रा? वो मुझे अभी याद है, वो एक पार्टी का चेक बना के ले जाना था, वो मैं भूल गया हूँ, तभी घर जाके चेक बना के फिर मैं निकलूंगा। तो कोई गल नहीं, वो घर से चेक लेके आ जाओ, तब तक मैं यहाँ रुकता हूँ। अरे दी बबीता जी ने अभी क्या कहा है, काम पे टाइम पे पहुँचना ही चाहिए। अरे वो तो तुमने बोला जेठा ब्रा। हाँ तो अभी मेरे लिए अगर तुमको लेट होगा तो मुझे कितना दुख होगा, मुझे कितनी तकलीफ होगी, मुझे मतलब अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा कि मेरी वजह से तुम्हें लेट हुआ आज इतना। ओ कमाल है जेठा ब्रा, ओ तुसी भी नहीं आओगे साथ में। बबीता जी आपको कितने जाना है? सॉरी भाई मैं एक्चुअली जे इन रोड पे जा रही हूँ। चलो चलो मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे सोटी जे इन रोड जा रहे, जे इन रोड ओ एकदम उल्टी दिशा में, तेरा घर आज इधर है, जैन रोड इधर है, तो बहुत लेट हो जाएगा तुझे उनको छोड़ के फिर जाएगा तो। हाँ तो कोई गल नहीं, ओ बबीता जी को वहाँ पे छोड़ के फिर मैं गिराज चला जाऊंगा। नहीं नहीं सॉरी भाई, एब्सोल्युटली ऑल राइट, आप जाइए मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। हाँ तो निकल, लेट हो जाएगा छोटी। ओ बबीता जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो चलो बैठो गड्डी से, मैं तुम्हें छोड़ देना। अरे नहीं नहीं सॉरी भाई, इट्स ओके। हां गोला ठीक है, सबको छोड़ने वाला सबको छोड़ के जा रहा है। ठीक है जेठा ब्रा, शाम को सोडा शॉप में मिलते हैं। हां ठीक है, मिलेंगे रात को। ओके ओके चलो बबीता जी, ओके जी बाबा बाय, थैंक यू। और बबीता जी सुबह सुबह जैन रोड वो बॉन्साई लेने। क्या लेने? बॉन्साई। बराबर बराबर, उधर वो सब ब्यूटी पार्लर के आइटम बहुत बढ़िया मिलती है। नहीं नहीं जेठा जी, बॉन्साई मतलब वो मिनिएचर ट्री आता है ना, जो गमले में छोटा सा पेड़ होता है, वो वाली। नहीं वो मुझे पता है, मैं ये कह रहा था कि उधर वो ब्यूटी पार्लर के आइटम भी बहुत बढ़िया मिलती है, एक अपने दोस्त की दुकान है वहाँ पे, कभी कुछ चाहिए तो बोल देना, अच्छे सस्ते भाव में दिला दूंगा मैं। ओके आई विल। और बबीता जी मानना पड़ेगा आपका दिमाग, घर में ऐसे छोटे छोटे पेड़ रखने से क्या वो प्रदूषण को खा जाएगा, तो घर की हवा एकदम शुद्ध आपकी तरह। वैसे ये आइडिया आइगर का था। नहीं 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 मुझे पता है आइडिया आपका है, लेकिन आप इतने निर्माणी है कि आइडिया का पूरा श्रेय आप अय्यर भाई को दे रहे। नहीं नहीं ये आइडिया अय्यर का ही था जेठा जी। आप कुछ भी बोलो, मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ। अरे आइए मैं आपको जैन रोड छोड़ देता हूँ, मुझे तो रास्ता में पड़ेगा ना दुकान जाते जाते। आइए। पर आपको घर पे से कुछ चेक लेना था ना? नहीं वो मुझे बाद में याद आया कि वो पार्टी कल आ रही है, तो चेक मुझे कल देना है। आइए आइए। नहीं नहीं मैं चली जाऊंगी, आप निकलिए। बबीता जी अरे चलिए साथ में जाएंगे, रिक्शा में गप्पे मारते मारते तो टाइम पास हो जाएगा। ठीक है चलिए। हाँ मुझे आपके जैसी कंपनी मिलेगी, मेरे ऐसा नसीब कहाँ है। दोस्तों जिसका जेठालाल को था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई जी हाँ, एक दबी दबी तमन्ना जो जेठालाल के दिल में करवट ले रही थी वो आज पूरी होने जा रही है, उन्हें बबीता जी को लिफ्ट देने का मौका मिल रहा है। लेकिन जेठालाल की कुंडली तो आप जानते हैं, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब देखना यह है कि जेठालाल की कुंडली क्या कमाल दिखाती है, क्योंकि वो कुछ सोचते और है और होता कुछ और है। अब यही देखना होगा, क्या जेठालाल को बबीता जी के साथ ऑटो में जाने का मौका मिलता है या फिर कहानी कोई अजीब ट्विस्ट ले लेती है। जो भी ट्विस्ट है हम आपको हंसी के मोड़ पर ही छोड़ेंगे और आप हंसते रहेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.